अगर आप हैचबैक गाड़ी खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट इंडिया में ऐसे कौन कौन सी गाड़ी है जो आपके बजट के लिए और आपके फैमिली के लिए बेस्ट है, तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 9 बेस्ट हैचबैक के बारे में बताने वाला हूँ, जो 3 लाख के प्राइस सेगमेंट से शुरू होकर आपको 10 लाख के प्राइस सेगमेंट के अंदर मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। नंबर 9, मारुति सुजुकी ऑल्टो। मारुति सुजुकी ऑल्टो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले एंट्री लेवल हैचबैक में से एक है। ऑल्टो को हाल ही में अपडेट किया गया था BS6 इंजन के साथ, तो अब आपको ऑल्टो में BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। साथ ही बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक से सेफ्टी आपको ऑल्टो में मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो ऑल्टो के पेट्रोल इंजन में 22.05 KMPL का और CNG में सबसे अच्छा 31.59 किलोमीटर पर KG का माइलेज क्लेम किया जा रहा है मारुति इंडिया के तरफ से। प्राइस की बात करें तो मारुति सुजुकी ऑल्टो का प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 2.94 लाख से और जाता है 4.36 लाख रुपीस तक। अब नंबर 8 पोजीशन पर आता है रेनॉल्ट की सबसे पॉपुलर एंट्री लेवल हैचबैक क्विड। इंडियन मार्केट में क्विड एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है रेनॉल्ट की तरफ से। रेनॉल्ट क्विड लॉन्च होते ही इंडिया की पॉपुलर एंट्री लेवल हैचबैक ऑल्टो को इसने अच्छी खासी टक्कर दी। ऑल्टो से अलग क्विड में आपको SUV इंस्पायर्ड डिजाइन के साथ साथ ऑल्टो से ज्यादा फीचर्स भी ऑफर किया जाता है रेनॉल्ट इंडिया की तरफ से। क्विड में आपको 0.8 लीटर और 1 लीटर दोनों ही इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं विथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो आपको ऑल्टो में नहीं मिलता। माइलेज की बात करें तो क्विड में आपको 23.01 टू 25.17 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। न्यू 2020 BS6 कॉम्प्लायंट रेनॉल्ट क्विड का प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 2.92 लाख से और जाता है 5.01 लाख रुपीस तक। अब नंबर 7 पर आता है मारुति की एक और पॉपुलर हैचबैक मारुति वैगनर। मारुति का एक लौता टॉल बॉय हैचबैक है वैगनर। वैगनर भी बहुत ज्यादा हिट और पॉपुलर प्रोडक्ट है मारुति ब्रांड का। अभी हाल ही में मारुति ने वैगनर का नया जेनरेशन भी लॉन्च किया था और अब इस नए जेनरेशन में पुरानी 1 लीटर इंजन के साथ साथ नया वाला स्विफ्ट का 1.2 लीटर इंजन भी वैगनर में मिलता है। माइलेज की बात करें तो वैगनर के पेट्रोल इंजन में 21.79 KMPL का और CNG इंजन में सबसे अच्छा 33.54 किलोमीटर पर KG का माइलेज क्लेम किया जाता है मारुति की तरफ से। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। न्यू 2020 मारुति सुजुकी वैगनर का प्राइस स्टार्ट होता है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 4.45 लाख से और जाता है 5.94 लाख रुपीस तक। अब नंबर 6 पोजीशन पर आता है हुंडई की एंट्री लेवल हैचबैक सेंट्रो। हुंडई सेंट्रो वर्तमान में भारतीय बाजार में सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक है। मुख्य रूप से अपने प्रतिष्ठित नेम प्लेट के कारण फीचर्स की बात करें तो नए हुंडई सेंट्रो में फर्स्ट इन सेगमेंट रियर एसी वेंट सहित कई अपडेटेड फीचर्स और सुधार शामिल है। नए सेंट्रो AMT वेरिएंट के विकल्प के साथ साथ पेट्रोल या CNG वेरिएंट में भी उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो सेंट्रो के पेट्रोल इंजन में कंपनी 20.3 KMPL का और CNG में सबसे अच्छा 30.48 किलोमीटर पर KG का माइलेज क्लेम किया जाता है। अगर आप हुंडई सेंट्रो खरीदना चाहते हैं तो इसका प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 4.57 लाख से और जाता है 6.25 लाख रुपीस तक। अब नंबर 5 पोजीशन पर आता है हुंडई ग्रैंड आइटन नियोस। हुंडई ने अपने पॉपुलर आइटन के नेक्स्ट जेन को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। नया ग्रैंड आइटन नियोस एक नए डिजाइन अपडेटेड फीचर्स के साथ आता है। नए नियोस हैचबैक को BS6 इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। नियोस में आपको पेट्रोल, CNG और डीजल तीनों ही इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा
ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो नियोस के पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही इंजन ऑप्शन में 20.7 और डीजल इंजन में सबसे अच्छा 26.2 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है हुंडई इंडिया की तरफ से। अब बात प्राइस की, न्यू 2020 BS6 नियोस का प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 5.06 लाख से और जाता है 8.29 लाख रुपीस तक। अब नंबर 4 पोजीशन पर आता है मारुति का हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, एनी गेसेस? यस, मारुति स्विफ्ट है नंबर 4 पोजीशन पर। मारुति स्विफ्ट साल 2005 में मारुति ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था भारतीय बाजार में। 2005 से 2020 तक पूरे 15 साल हो चुका है इस गाड़ी को लॉन्च हुए, और इन 15 सालों में कितने ही कार ब्रांड ने कितने ही प्रोडक्ट्स लॉन्च किए इंडियन मार्केट में, लेकिन स्विफ्ट के पॉपुलैरिटी को अभी भी कोई भी टक्कर नहीं दे पाया। मारुति का सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है स्विफ्ट। इन 15 सालों में मारुति ने स्विफ्ट के 3 जेनरेशन लॉन्च किए हैं। स्विफ्ट का थर्ड जेनरेशन साल 2018 में ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया था। मारुति की दूसरी गाड़ियों के तरह अब स्विफ्ट में भी आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है, मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाता है। मारुति स्विफ्ट के पेट्रोल इंजन में 21.21 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब बात प्राइस की, मारुति स्विफ्ट का प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 5.19 लाख से और जाता है 8.02 लाख रुपीस तक। अब नंबर 3 पोजीशन पर आता है फोर्ड का एकलौता हैचबैक फोर्ड फिगो। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो फिगो में आपको पेट्रोल के साथ साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन पेट्रोल इंजन से अलग फोर्ड के डीजल इंजन में सबसे ज्यादा पावर मिलता है, और कार एंथुजियास्ट भी फिगो के डीजल इंजन को ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल इंजन के मुकाबले डीजल इंजन में माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाता है। पेट्रोल इंजन में 18.5 केएमपीएल और डीजल इंजन में सबसे अच्छा 24.4 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है फोर्ड इंडिया की तरफ से। लेकिन फोर्ड फिगो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। प्राइस की बात करें तो फोर्ड फिगो का एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से प्राइस स्टार्ट होता है 5.39 लाख से और जाता है 7.85 लाख रुपीस तक। अब नंबर 2 पोजीशन पर आता है हुंडई की प्रीमियम हैचबैक हुंडई एलिट i20। लुक्स की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम लुक्स हुंडई ऑफर करता है इस गाड़ी में विद प्रीमियम फीचर्स। इसके अलावा हुंडई बहुत जल्द i20 का नया जेनरेशन भी लॉन्च करने वाला है, लेकिन फिलहाल जो i20 इंडियन मार्केट में अवेलेबल है इसमें आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलेगा, डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात करें तो इस i20 में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। अब बात माइलेज की, पुरानी i20 के पेट्रोल इंजन में 18.6 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। पुरानी BS6 कॉम्प्लायंट एलिट i20 का प्राइस स्टार्ट होता है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.49 लाख से और जाता है 8.3 लाख रुपीस तक। अब आखिर में बारी आती है नंबर 1 पोजीशन की, और नंबर 1 पोजीशन पर आता है मारुति का प्रीमियम हैचबैक मारुति बलेनो। अभी पिछले साल 2019 में मारुति ने बलेनो का फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। फीचर्स की बात करें तो बलेनो में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो बलेनो में अब सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है, डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो बलेनो के पेट्रोल इंजन में 23.87 केएमपीएल का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब बात प्राइस की, न्यू 2020 मारुति बलेनो का प्राइस स्टार्ट होता है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 5.63 लाख से और जाता है 8.96 लाख रुपीस तक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर डील साबित होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में,
और चैनल में नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।